हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंडर एनालिसिस। होप आप सभी लोग हैप्पी हेल्दी होंगे और नए बिजनेस की तलाश में होंगे, नए वर्क की तलाश में होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम दो टेंडर इसमें डिस्कस करेंगे और दोनों टेंडर जो है करोड़ों में है। एक टेंडर जो है 30 करोड़ 50 लाख का है और दूसरा टेंडर 7 करोड़ 46 लाख का है। तो ओवरऑल जो है आपके पास 37 करोड़ का टेंडर है और ये दोनों टेंडर डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। पहला टेंडर जो है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का है, जिसको हॉलेज या आपका हॉलेज एंड जो है हैंडलिंग का वर्क है, जो कि 7 करोड़ का है। एंड दूसरा है मैकेनिकल टेंडर, जो कि इरेक्शन, पाइपिंग, प्रिंटिंग, इंस्टॉलेशन वर्क का है, इंसुलेशन वर्क का है। तो ये दो डिफरेंट टेंडर IOCL के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। सो हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इस टेंडर के लिए, कितना वर्क एक्सपीरियंस आपको सबमिट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या EMD अमाउंट है या नहीं है, राइट कितना जो है वर्किंग टाइम दिया जाएगा, प्री बीड मीटिंग कब होगा, राइट एंड टेक्निकल बीड में क्या क्या चाहिए एंड फाइनेंशियल बीड कब होगा। ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल में इरेक्शन, पाइपिंग, प्रिंटिंग, इंस्टॉलेशन में आप वर्क कर रहे हो या फिर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें टेंडर फिल कीजिए और आप टेंडर विन करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट में जाइए। इस इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट थ्रू आउट द इंडिया। सो किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। पहले हम लॉजिस्टिक का देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला, और उसके बाद जो है हम मैकेनिकल वाला देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट फ्रेंड्स, ताकि आपको किसी भी तरह का टेंडर हो पैन इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल में कंस्ट्रक्शन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे वो रोड रिपेयरिंग का हो, सीवर लाइन का हो, प्लांटेशन का हो, किसी भी तरह का टेंडर हो, आपको हमेशा अपडेट होता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, राइट। सो स्टार्ट इट। फर्स्ट टेंडर की बात करें तो इसमें जो है IOCL ने टेंडर रिलीज किया है, जिसमें यहाँ पे ID दिया है, टेंडर नंबर एंड टेंडर ID। ओके, सो टेंडर का नाम क्या है? हॉलेज एंड हैंडलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिलीगुड़ी टर्मिनल। सिलीगुड़ी टर्मिनल जो उड़ीसा में है, वहाँ से जो वहाँ की जो टर्मिनल है, वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट जो भी डिलीवर होता है मटेरियल फॉर द IOCL, तो उसका ओवरऑल जो है यहाँ टेंडरिंग दिया जा रहा है। लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक टेंडर निकाला जा रहा है और लोकेशन है सिलीगुड़ी टर्मिनल नियर NJP रॉय स्टेशन, पोस्ट बख्ती नगर, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, राइट। तो यहाँ जो है ये जो है वर्क लोकेशन होगा आपका। तो एस्टिमेटेड वैल्यू अगर 1 साल की बात करें तो 2,48,44,912.74 रुपया का 1 साल का ये जो है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का जो है प्रोजेक्ट है, टेंडर है। अगर 3 साल की बात करें तो 7,45,34,738.23 रुपये का जो है ये क्या है, टेंडर है। तो टेंडर फी 0 है, कोई भी टेंडर फी इसमें नहीं लिया जा रहा है, विथ GST, ये विथ GST है वैल्यू। ओके, सो अब यहाँ पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो नहीं लिया जाएगा, बट इसमें कंडीशन दिया है, जब आपको वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। सो एज पर द स्टार्ट डेट मैं आपको शेयर करता हूँ, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड होगा, प्री बीड मीटिंग कब है, ईच एंड एवरीथिंग मैं शेयर करूँगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, जैसे आपका सक्सेसफुल बीडर शैल बी सबमिटेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो जैसे आपको मिलता है देन फिर आपको सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें जो है EMD अमाउंट तो है नहीं, तो आप जैसे आपको लाइक प्रोवाइड होता है देन विद इन 15 डेज टोटल जो आपका 2,45,000 का जो टेंडर है 1 साल का, टोटल का 3% आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा विद इन 15 डे एक्सक्लूसिव जीएसटी, है ना। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 15% जो है आपको 15 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा ई पे वन के थ्रू या NEFT आप जैसे कर दीजिए, ये यहाँ पे दिया गया है। एंड जो है बैंक गारंटी विल बी एक्सेप्टेबल इफ़ SD अमाउंट इज एबव 1 लाख, है ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो आपको बैंक गारंटी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज कर देगा, 1 साल में ही रिलीज कर देगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड, एक ही कॉन्ट्रैक्टर होगा, नो सब कॉन्ट्रैक्टर इज अलाउ इन दिस टेंडर। इसमें जैसे कि एक बड़ी जो है कंपनी होती है, उसके अंदर छोटी छोटी कंपनी मिलके वो टेंडर भर देती है, राइट। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, थर्ड पार्टी के थ्रू बड़ी कंपनी के साथ मिलके आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेते हो। बट इसमें जो है लॉजिस्टिक और ये हॉलेज और जो ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग का जो है वर्क, इसमें थर्ड पार्टी एक ही कंपनी इसमें अप्लाई कर सकती है। 1 नो सब कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड इन दिस टेंडर, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। बट मैकेनिकल वाला जो है जिसमें कि 30 करोड़ का है, वो वाला देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो इसका डेट एंड टाइम बताएंगे। टेंडर वैलिडिटी जो है 120 डेज का है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 ईयर का है, बट पहले इशू होगा 1 साल का, एंड फॉर 2 मोर ईयर एट 2 स्टेज ये जो है एक्सटेंड होगा, रिन्यू होगा, ठीक है। मोड ऑफ टेंडर सबमिशन जो है ई टेंडरिंग होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट पर्सन यहाँ पे दिया गया है सारा डिटेल, या फिर अगर कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्स यू। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है। प्री बीड मीटिंग में जाएंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। तो 2019-20, 20-21, 21-22 इन तीनों साल में कंसिस्टेंटली कम से कम 149.069 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। कम से कम इतना जो है टर्नओवर तीनों फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। जैसे भी मार्च का तो लाइक 2022, अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी का सेकेंड क्वार्टर का भी रिजल्ट लाइक फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया 22-23 वाले का, लेकिन जो मार्च तक का तो उसका रिजल्ट तो आ ही गया हुआ। तो ये तीनों साल का आपका जो है टर्नओवर इतना होना चाहिए। जो MSME नहीं है उनके लिए 126.79 लाख का जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये है और ये टर्नओवर होना चाहिए आपका। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है इसमें, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ओके। सो इसमें देखिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है। उसके बाद टाइमलाइन पे हम जाएंगे कब क्या होना है, ओके। सो इंस्ट्रक्शन फॉर द बीडर्स ऑल, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल बीड स्टार्ट होगा उसका डेट जब मैं बताता हूँ, तो उसमें टेक्निकल बीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी आप फाइनेंशियल बीड में जा पाओगे। टेक्निकल बीड में अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका लाइक रिजेक्ट हुआ, एक भी मिसमैच हुआ, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी द अपलोडेड, जो कि ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। टर्नओवर, लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर आपको अपलोड करना है, जो मैंने आपको बताया है 19-20, 20-21, 21-22 का, ठीक है। तो उसके बाद जो है कंपनी का पीएफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको भरना है। ESIC सर्टिफिकेट आपको भरना है। पैन कार्ड भरना है। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भरना है। पार्टनरशिप डीड और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज एप्लीकेबल ये आपको भरना है। पावर ऑफ अटर्नी, जिसके नाम पे कंपनी है, वो आपको यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी का एक एग्रीमेंट बना के आप दे दीजिएगा, ठीक है। ये उसके अलावा BOQ में जो है सारा कुछ ब्रेकअप ऑफ क्वांटिटी जो है कॉस्ट क्वांटिटी, उसमें सारा कुछ दिया है, राइट। तो इसमें जो जैसे टेक्निकल बीड में जितना भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसमें ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट शुड भी एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड विजिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप वो क्वालिफाई हो गए टेक्निकल बीड में तो अब फाइनेंशियल बीड में आएगा पैसे की बात। जैसे कि यहाँ पे 2.45 करोड़ का टेंडर है, 48 लाख का, तो आप जो है इससे टेंडर से ज़्यादा ही कीजिएगा, जो क्योंकि इसमें जो BOQ दिया गया है उसको आप देखेंगे क्या मटेरियल कितना जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा, क्या क्या लोड होगा, क्या क्या अनलोड होगा, लोडिंग अनलोडिंग में कितने मैन पावर यूज होंगे और लोकल ट्रांसपोर्ट कितना यूज होगा, ये सब चीज़ें होंगी, उसमें सबका ब्रेकअप दिया होगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे आप 2,50,000 का 2,50,00,000 का टेंडर फिट करोगे। तो जब L1 और L2 L3 की बात आएगी या L4 L5 जितने भी कंपनी पार्टिसिपेट होंगे उस तरह से L1 L2 टू चलते जाएगा एक सीट तक। तो सपोज कीजिए आपका L5 आता है तो आपको L5 में 2,50,00,000 का दिया है, ठीक है। तो आप 2,50,000 दिए, 2,48,000 किए तो आप L3 पे आ गए, क्योंकि जैसे कि आप ये ऐसे होता है टेंडरिंग L1 L2, जैसे कि कोई इलेक्शन होता है तो उसमें दिखाता है कि बीजेपी या कांग्रेस या कोई लोकल पार्टी इतने वोट से आगे पीछे चल रही है, तो वहाँ दिख रहा होता है कि यहाँ 20,000 से आगे पीछे चल रही है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे। बट यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 दिखता है, लेकिन कौन कितने से आगे पीछे ये नहीं दिखता है। जो L1 जिसका सबसे कम प्राइस होगा वो L1 पे होगा। तो आपको ये जो है आइडिया लगाना होगा कि हाँ L1 पे ये रखा है, L1 पे है तो 2,45,00,000 का तो टेंडर नहीं इसने भरा है। बट जब आप इसको टेंडरिंग करते रहोगे, जब आप इसका बिडिंग स्टार्ट होगा टेक्निकल बिड तो उसमें फाइनेंशियल बिड तो उसमें आप एकदम कैलकुलेटेड होगे, क्योंकि किस में हम पैसा और कम कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉस में तो लोगे नहीं, है ना। या फिर बड़ी ब्रांड है तो आप थोड़ा बहुत लॉस में ले लोगे, आपको पता होगा कि कहाँ पे होल्स हैं, कहाँ पे बबल्स हैं, उसमें हम पैसा कमा सकते हैं, कहाँ हम डाउन कर सकते हैं, एडमिन कॉस्ट कट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कट कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें करके आपको बहुत ही वर्क करना पड़ेगा। BOQ इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द फाइनेंशियल बिडिंग, ठीक है, जिसमें आप कॉस्ट कटिंग करते हो। तो उसी में एक एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है। SCL, इन्फोसिस, IOCL, है ना, BPCL, ONGC, लाइक DMRC, इन सब का टेंडर मैंने देखा है, मैंने भरा है। तो 0.39 पैसा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है L1, L2, L3 आने में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे LCL का पैन इंडिया का मैंने टेंडर फिल किया था तो 0.39 पे टेंडर क्लोज हुआ था तो पर स्क्वायर फीट। तो दिस इज द थिंग। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप BOQ पे काम कर लिए, एक एक पैसा कितना कम कर सकते हो एक एक क्वांटिटी में, तो आप कम कर सकते हो और L1 पे पहुंच सकते हो। सबसे कम प्राइस होगा और इसका ब्रेकअप देना होगा, ये नहीं सबसे कम पे ले लिया तो वो ब्रेकअप मांगेगा। आप इतने कम पे कर रहे हो तो इसका प्राइस आपका, क्योंकि जो भी मटेरियल दोगे उसका सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। IO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड आपका मटेरियल है या नहीं है, सारे रूल एंड नॉर्म्स जो है एज पर द रूल एंड रेगुलेशन है या नहीं, सारा सर्टिफिकेशन मांगेगा ईच एंड एवरी मटेरियल और ईच एंड एवरी मैन पावर जो आप वहाँ पे यूज करोगे, सबका डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है। कंप्लाइंसेस शुड बी कंप्लीटेड बाय 100%, तभी आपको ये टेंडर मिलेगा। इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। हाँ, अगर आपको इनडायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच है दैट इज द इलीगल थिंग, बट होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो इसका डेट देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए 7,45,34,738 रुपीज़ के टेंडर्स हैं और सिलीगुड़ी टर्मिनल में है। और इसमें देखिए ये जो है आपका 10 अगस्त को प्री बीड मीटिंग होगा, एड्रेस दिया गया है। प्री बीड मीटिंग में क्या होता है, आप जैसे कि टेंडर फिल करने का 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 अगस्त को, बट उससे पहले आप जब BOQ खोले या डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायरमेंट मांगा है उसको आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट के बदले और क्या आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, क्या क्या इश्यूज़ आए, जो भी आपके इशू आए वो प्री बीड मीटिंग में आप डिस्कस कर सकते हो, इसलिए प्री बीड मीटिंग रखा जाता है। मोस्टली सभी टेंडर में होता है प्री बीड मीटिंग। तो यहाँ पे आपका ये प्री बीड मीटिंग होगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा वहाँ पे पहुँचना है। 10 बजे 11 AM 10 तारीख को 11 AM पे यहाँ आपका प्री बीड मीटिंग है, आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका 5 अगस्त को पब्लिश हुआ है और 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट जो डेट है वो 16 अगस्त है आपका, एंड ऑफ सबमिशन ऑफ बिड ऑनलाइन। और 17 अगस्त को जो है प्री बिड टेक्निकल जो है डॉक्यूमेंटेशन का जो है बिडिंग जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें दिखा देगा कौन कौन क्वालिफाई हुआ, कौन कौन क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे क्वालिफाई हो गए आप अपना जो है फाइनेंशियल BOQ पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए कि कितना आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल बिड की बात आ गई। आपका डॉक्यूमेंट 100% कंप्लायंस से सही हो गया, वो अप्रूव्ड हो गया, ये बिगेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। अब हम मैकेनिकल की बात करते हैं, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन वाली बात। अब मैकेनिकल में चलते हैं। सो दिस इज द मैकेनिकल वन। सो ये हिंदी वाला है, इंग्लिश में चलते हैं। सो इसमें पानीपत रिफाइनरीज में जो है मैकेनिकल प्रोडक्ट्स सप्लाई का है और वर्क का है। इसमें देखिए डोमेस्टिक बिडिंग होना है अंडर 2 बिड सिस्टम, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में हम डॉक्यूमेंटेशन का देखते हैं एंड फाइनेंशियल बिड में हम पैसे की बात करते हैं। मैकेनिकल इरेक्शन, पाइपिंग, पेंटिंग, इंसोलेशन वर्क होना है। नाफ्था क्रैकर्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एट पानीपत रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है 5 अगस्त से स्टार्ट है, 16 अगस्त तक आप जो है बिडिंग कर सकते हैं। दिस इज द IOCL पे आप जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। प्री बिड मीटिंग जो है 10 अगस्त को है और आपका 16 अगस्त लास्ट डेट है। 17 अगस्त को आपका जो है टेंडर का जो है टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट मनी जो है इसमें नहीं है, 0 है। उसके बाद प्री क्वालिफाइड जो है क्रिटेरिया जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट एंड ऑल दिस थिंग। टर्नओवर जो है 1550 लाख का होना चाहिए, 1550 लाख का टर्नओवर होना चाहिए 3 कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, लाइक 3 साल में। उसके बाद जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हो तो 1292 लाख का देना होगा और ये वर्क एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि अभी तक कंप्लीट हो गया है, ऑन गोइंग मत दीजिएगा। ऐसा मत दीजिएगा कि आपका लाइक 4 करोड़ का वो आपका टेंडर है, 4 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लाइक 1 साल में 2 करोड़ और फिर दूसरे साल में 2 करोड़। तो आपका 2 करोड़ का जो है वर्क कंप्लीट हो गया है पहले साल का और दूसरे साल का आपका चल रहा है, उसका जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपका मिल गया 1 साल का, लेकिन वो तो ऑन गोइंग है ना। आप एलिजिबल हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल गया है एंड आपने काम भी कर लिया है उतने पैसे का जितना का मांग रहा है, बट वो प्रोजेक्ट अभी गोइंग ऑन है। ठीक है, तो ऐसा प्रोजेक्ट का वर्क एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्री बिड मीटिंग में इसको क्वालिफाई क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें टेक्निकल बिड में वो डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि मैं लाइक 95 लाख का एक टेंडर था, आई जस्ट लाइक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 6 करोड़ का था एंड देन फिर 6 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट ऑन गोइंग था, जिसमें कि हमको 1 करोड़ का ही देना था एंड देन फिर उसमें 1 करोड़ का हमने काम कर चुका था, लेकिन वही हो गया, हमने ऑन गोइंग वाला दे दिया एंड देन फिर वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए। सो वही चीज़ है। अगर आपको 2 वर्क एक्सपीरियंस देना है तो 1033 लाख का देना पड़ेगा 2, जो कि पहले आप कंप्लीट 100% कर चुके हो और वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब एंड अगर 3 देना है तो 775 लाख का 3 देना होगा। तो ये वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा और ये एक्सक्लूसिव GST होना चाहिए, इंक्लूडिंग GST नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसमें और ओके। सो ये यहाँ पे टाइमलाइन, मेल ID, ईच एंड एवरीथिंग, फ़ोन नंबर, लोकेशन, सारा कुछ दिया गया है। यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं या मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्स यू। सो दिस इज़ द थिंग। डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लगना है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, लाइक टर्नओवर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PF, ESIC, कंप्लाइंसेस, ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड। तो ये देखिए इसमें टेंडर की वैल्यू 30,49,82,063 रुपीज़ की है। 10 अगस्त को प्री बिड मीटिंग होना है। मीटिंग का एड्रेस जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये टेंडर फिल करना है और कोई डाउट होता है तो लेट मी नो, आई विल रिस्पॉन्स यू वेरी सून। सो गुड लक, मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक फॉर your tender. Thank you.